अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सेज़वान सॉस। इस सॉस को बनाने के लिए हमें चाहिए बिस्मिल्लाह। कढ़ाई में ऐड करेंगे पानी 1 लीटर, हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्च। मैंने लाल मिर्च 150 ग्राम लिया है। चलिए इसे 15 से 20 मिनट अच्छे से उबाल लेंगे मिर्ची को। इसकी लीड बंद कर देंगे। बिस्मिल्लाह। देखिए हमारी मिर्ची अच्छे से उबल चुकी है। चलिए फ्लेम को हाफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे और पानी का भी इस्तेमाल करेंगे इसका। देखिए पानी है। चलिए जार में ऐड करेंगे मिर्ची। ठंडी हो चुकी है ये। थोड़ा मोटा मोटा पीसना है। चलिए इसे अच्छे से पीस लेंगे। देखिए मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके, बहुत नहीं भी नहीं पीसा है। देखिए बीन जी दिख रही है इसमें। बिस्मिल्लाह। मैंने लहसुन को अच्छे से बारीक काट लिया है। थोड़ा सा क्रश कर लेंगे इसे। चलिए हमने लहसुन को अच्छे से क्रश कर लिया है। कुट को डालने से बहुत अच्छे से खुशबू आती है सॉस में। चलिए थोड़ी सी अदरक भी क्रश कर लेंगे। चलिए हमने अदरक को भी अच्छे से क्रश कर लिया है। चलिए इसमें ऐड करेंगे तेल, 1 बड़े चम्मच से 1 चम्मच। क्रश किया हुआ लहसुन, अदरक, इसे फ्राई कर लेंगे। लहसुन भी अदरक अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। फ्लेम को लो कर देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे मिर्ची जो पेस्ट बना लिया था हमने। चलिए जार में पानी मिक्स करके मैं ऐड कर रही हूँ।
इसे 5 मिनट अच्छे से पकने देते हैं। इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टेबल स्पून, ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबल स्पून, विनीगर 2 टेबल स्पून, चलिए इसे 1 मिनट पकने देते हैं लीड बंद करके। चलिए फ्लेम को हाफ कर देंगे। देखिए हमारा सेज़वान सॉस बनकर तैयार हो चुका है। आप हर चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, नूडल्स में, पास्ता, मैक्रोनी, चिल्ली चिकन सब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हमने बर्नी लिया है, बर्नी में आप डालकर फ्रिज में रख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, कुछ ख़राब नहीं होता ये। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।